आयुर्वेद निवासी डॉक्टरों के संगठन मार्ट का आरोप है कि शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के निवासी डॉक्टरों को बुधवार से जारी काम बंद आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टरों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी और शिक्षकों को हाथ में लेकर फूट डालने का प्रयास भी किए जाने का आरोप मार्ट ने किया है। मार्ट के अनुसार कोविड रोगियों की सेवा कर रहे MBBS व दंत महाविद्यालय के विद्यार्थियों के मानधन में 10,000 रुपए की कटौती की गई, लेकिन आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इससे अलग रखा था। यह अन्याय है और समान काम समान वेतन के नियम का उल्लंघन भी। इसके साथ ही प्रथम व तृतीय वर्ष के निवासी डॉक्टरों को विश्वविद्यालय की परीक्षा के अध्ययन के लिए तत्काल कार्य मुक्ति करने आदि मांगे प्रशासन के समक्ष रखी गई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मजबूरन काम बंद आंदोलन का हथियार इस्तेमाल करना पड़ा है। मार्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सुमित मराठी ने कहा कि आंदोलन का आज का 5वां दिन था। राज्य के अन्य 4 शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी इस आंदोलन में सहभागी हुए हैं। जब तक आयुष संचालनालय की ओर से लिखित स्वरूप में आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। आंदोलन में श्रृंखला अनशन भी किया जा रहा है, जिसमें रोजाना 6 विद्यार्थी सहभागी हो रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ शुक्रिया लक्ष्मी की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।